दोस्तों फिर से आ चुके हैं पिक वन चैलेंज लेके। इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि आप लोग इतना लड़ाई करते हो ना कमेंट बॉक्स में। इंडिया के लोग बोलते हैं इंडिया की एक्ट्रेस अच्छी, पाकिस्तान की बोलते हैं पाकिस्तान की अच्छी है, और भाई दोनों लड़ लेते हैं एक दूसरे को, गलत सलत बातें करते। भाई मत किया करो यार, ये गेम है, गेम की तरह लो, खेलो, देखो, मज़े लो, और अपना डिसीजन था वो कमेंट कर दो। आज भी आपको यही करना है। आज पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का ही चैलेंज होने वाला है। एक तरफ हमारे सामने होगा ब्राइडल लुक और एक तरफ होगा सिंपल लुक, और फिर हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, ब्राइडल वाला या सिंपल वाला। वैसे पाकिस्तान में ब्राइडल लुक भी काफ़ी पसंद किया जाता है, ब्राइड्स का काफ़ी क्रेज़ है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा। हर लड़की का एक वो ड्रीम होता है कि मैं दुल्हन बनूंगी तो ये करूंगी, उससे मेकअप कराऊंगी, उसका ड्रेस पहनूंगी। वैसे तो हर जगह की लड़की का ये ड्रीम होता है वैसे, लेकिन इंडिया में इतना मैंने नहीं देखा क्रेज़ जितना पाकिस्तान में लड़की ब्राइडल लुक का, तो बहुत ज़्यादा ही है। शादी से पहले ही ब्राइडल लुक का एक फोटोशूट हो जाता है। हाँ चलो तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी एक्ट्रेसेस होगी हमारे सामने और हम किस किस को चूज करेंगे। आप भी बताना अपना, शुरू करते हैं अभी। गो थिंकिंग ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करना, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्राइड ओके ओह मैं तो इस दोनों फोटो में तो मैं भाई बिल्कुल चूज ही नहीं कर सकता कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे को। मुझे भी यहाँ पर ब्राइडल वाला है इस फोटो में, ब्राइडल लुक। बाकी वो फर्स्ट वाले फोटो में मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगा था। ओके ये है अमन खान, तो इस वाले में, इसमें भी मुझे ब्राइडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों सिंपल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो पता नहीं क्यों, क्योंकि अब मेरे को अच्छा लग रहा है सिंपल। इसमें मुझे सिंपल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को इसमें ब्राइडल अच्छा लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई, मुझे इसमें बिल्कुल सिंपल, ये बिल्कुल ही सिंपल हो गया है। मैं ब्राइडल वाला लूँगा, मतलब यार आनिया आमिर भाई मेरे को यहाँ पर सिंपल ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो बिना कलर के ही सिंपल अच्छा लग रहा है, कलर होने के बाद मेरे को ब्राइडल अच्छा लग रहा है भाई। गड़बड़े हम दोनों के आज, आज हमारे तालमेल मिल नहीं रहे मिल नहीं रहे। हाँ लास्ट वीडियो में ज़्यादा ही मिल गया था ना, इसलिए यहाँ पर भी यहाँ पे तो ब्राइडल मेरे को पसंद, क्योंकि डिम्पल नजर आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है डिम्पल इनका। मैं भी ब्राइडल चूज करूँगा, ब्राइडल ओवरऑल ब्राइडल ही है। ओह माहिरा खान, मेरे को यहाँ पर सिंपल लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो कलर आने के बाद बताऊँ, इनकी आंखें देख भाई सिंपल लुक में, आंखें तो सेम ही है ना भाई। मुझे तो ब्राइडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर भी मेरे को सिंपल वाला। ओह भाई यहाँ पर मुझे साड़ी में ज़्यादा अच्छी लग रही, मुझे भी साड़ी में सिंपल लुक में ज़्यादा अच्छी लग रही भाई माहिरा खान। सो ओवरऑल तो मैं इस वाले कि अगर बात करूँ तो सिंपल पे ज़्यादा वोट जा रहा है मेरे भी सिंपल। ये कौन है, निम्रा खान अपने यार, ये ब्राइडल लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ इसमें ब्राइडल ज़्यादा अच्छा है ना, तेरे को भी ब्राइडल ही सही लग रहा है इसमें। ये वेस्टर्न ज़्यादा ही वेस्टर्न हो गया है, वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर हो गया है यहाँ पर भी, पहचान भी नहीं आ रही मुझे तो। ब्राइडल ही अच्छा लग रहा है ना, है ना ब्राइडल। मैं इसको तो बिल्कुल चूज नहीं करता, ओवरऑल ब्राइडल ही अच्छा लग रहा है इनके दोनों फोटोज में, ओवरऑल ब्राइडल अच्छा लग रहा है। ओह भाई बोलवा, मुझे तो इसमें सिंपल वाला अच्छा लग रहा है, जो भी ब्लैक एंड व्हाइट मुझे देख रहे हैं ना उसमें मुझे सिंपल वाला बहुत ही सही लग रहा है। मेरे को भी सिंपल वाला, कलर में भी अच्छा लग रहा है भाई सिंपल वाला, सिंपल सिंपल दोनों ने हमने सिंपल ही चूज करा है। नेक्स्ट फोटो में देखते हैं, ये भी यहाँ भी भाई सिंपल वाला, सिंपल कितनी मासूमियत दिख रही है इनके फेस पे सिंपल वाले लुक में, सिंपल यार भाई आंखें देखो, सॉरी बट मासूमियत दिख रही है, सॉरी बट हमें इनका दोनों एक ही पर्सन है, बट फिर भी सिंपल लुक में। ओ भाई भाई तो दोनों में ही कमाल लग रही है ये हाशमी, बट स्लाइटली बेटर लग रही है ब्राइडल में, ज़्यादा अच्छी लग रही है। सही बोला तुमने, इन दोनों फोटो की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्राइडल में ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरे को यहाँ पर वेस्टर्न सिंपल वाला है, जो वेस्टर्न वाला है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला ब्राइडल में कुछ ज्यादा ही हेवी ज्वेलरी हो गया, हेवी शायद पसंद नहीं आता, बहुत हेवी है। ओवरऑल सिंपल और ब्राइडल मिक्स है तो कुछ नहीं बोल सकते इसमें। हिबा बुखारी,
हिवा बुखारी भी यार बहुत क्यूट है कलर आने में। यहाँ पे मुझे, यहाँ पर मैं कंफ्यूज नहीं, मुझे सिंपल वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से देखूंगा भाई। ये इसने पॉज कर दिया है चेक करने के लिए और क्या जाए, इतना टाइम नहीं है अपने पास, हमको थोड़ा सा इतना करेंगे तो फिर तो डिसीजन है, पक्का वाला डिसीजन, फर्स्ट नजर में क्या रिएक्शन आ रहा है देना है हमको। वो दोनों में फोटो में इतनी अच्छी लग रही है कि मेरे को थोड़ी देर देखने दे। आंखें सीख रहा है तू? आंखें नहीं सीख रहा हूँ। अरे वो नहीं, अच्छे से देख रहा है, मतलब आंखें सीख जाएगी ना थोड़ी, ज़्यादा नज़रें तेज डालेगा तो। अब डिसीजन, चलो भाई मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मेरे को देखने देख मेरे को ब्राइडल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके ब्राइडल तुझे? मुझे सिंपल, मेरे को ब्राइडल वाला ज़्यादा, ब्राइडल मुझे ऐसा लग रहा है पेंट पेंट सा लग रहा है, इसलिए मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे ब्राइडल अच्छा लग रहा है मेरे को, ओवरऑल इनका ब्राइडल लुक ही ज़्यादा अच्छा लगा, बट वो फर्स्ट वाले में यार सिंपल वाला ही बहुत औसम था, बहुत औसम था ब्राइडल लुक। ओ भाई सोनिया हुसैन, भाई मैं सच कहूँ ना तो मुझे यहाँ पे दोनों ही बहुत कमाल के लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो फोटो लिया गया है ना ब्राइडल वाला, वो स्टाइल बहुत शानदार लगी मुझे वो आधा ऐसा करके, बट तो सिंपल वाले में ज़्यादा विजुअल हो रही है, तो सिंपल वाले को हम इसलिए चूज कर। भाई इसमें भी मैं सिंपल वाले, मैं खुद भी भाई इसमें सिंपल वाला ही चूज करूँ, तो यार इसमें तो ओवरऑल हमने सिंपल ही चूज किया यार, सिंपल लुक में ज़्यादा प्यारी लगी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये शादी नहीं करना चाहिए, शादी करना चाहिए, वो ब्राइडल में अच्छी नहीं लगेंगी। हाँ वो ब्राइडल में भी अच्छी लग रही है, लेकिन हमें अभी जो फोटोज हैं, दो फोटोज हैं, उनमें हमें कौन से फोटोज में ज़्यादा अच्छी लग रही है हम बस वो बता रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आप भी बताते जाना भाई अपना। यागो यमुना जैदी भाई, लेट्स सी प्रॉपरली। इसमें मैं सच बताऊँ तो मुझे ब्राइडल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही बच्ची लग रही है मुझे, वो जो फोटो डाले भाई। मैं तो ये चाहता हूँ हमेशा इस तरह से ही बच्ची बन के रहे, कभी शादी ना करे भाई। ओ भाई मेरे को सिंपल लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है इसमें भी, ये वाले में मेरे को सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को ओवरऑल सिंपल लुक ही पसंद आया भाई इनका। बाकी लगते उस पर भी खूबसूरत लग रही है, अच्छी लगती, बट इनका जिस तरह का नेचर है ना यमुना जैदी का, दिल तो बच्चा है जी वाला, या फिर हाँ वो एक्चुअली उनका जो नेचर है, वो उनके काफी जितने भी कैरेक्टर्स देखे उनमें सबसे अच्छे कैरेक्टर्स वही लगे जहाँ पे उन्होंने इस तरह की बचकान हरकतें करी हो। और तो उनका मैंने कई इंटरव्यूज पे भी, अभी हमने रिसेंटली रिएक्शन दिया था, उसमें जिस तरह से वो बातें करती है ऐसा लगता है उनके अंदर का बच्चा आज भी जिंदा है, और वो जिंदा ही रहना चाहिए, इनको शादी नहीं करना चाहिए भाई, ऐसी अच्छी लगती है मुझे तो। नहीं सिंगल शादी तो कर लेना चाहिए, इतना भी मत कर, बद्दुआ दे रहा है क्या तू? नहीं बद्दुआ नहीं दे रहा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना वो शादी करेगी, तुझे अच्छा साले तू करके बैठा हुआ है वो ना करे, तू उसके लिए रुका हुआ है क्या? वो तो मजाक कर रहा है यार, सबकी शादी होना चाहिए, जिस जो चाहता है शादी करना उसकी तो डेफिनेटली होना चाहिए। नहीं बट होना चाहिए, नबी की सुन्नत है यार शादी करना, तो आई थिंक होना ही चाहिए शादी तो सबकी। हाँ अभी कोई एक्ट्रेस का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिस जिन्होंने बोला था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, उनको भी काफ़ी लोगों ने बोला कि नबी की सुन्नत है शादी करना, ये वो पता नहीं, कोई पाकिस्तानी ही एक्ट्रेस थी जिनका काफ़ी, आप बताना आपको ध्यान हो तो, मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था, मैं भूल गया यार वो कौन सी एक्ट्रेस थी। तो भाई हम लोगों का ये चॉइस थी, हम लोगों की चॉइस बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ खैर हमने इस बीच मज़ा बहुत इन्जॉय बहुत किया हमने, एक्चुअली हम जब भी पिक वन चैलेंज करते हैं ना, हम कल भी जो शूट कर रहे थे उसके बाद हमने बात की थी कि यार जब भी हम पिक वन चैलेंज शूट करते हैं तब हम अंदर से बहुत खुश होते हैं ना कि यार मज़ा बहुत आता है, हम उसके बाद भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, अरे यार वो वाला फोटो अच्छा था, वो वाला फोटो, अरे यार वो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा हम बातें करते हैं एक्चुअली, हम वीडियो भी देखते हैं ना, बाद में हम वीडियो देखते हैं और हंसते हैं, अबे यार कैसे क्या सोच के तूने डिसाइड करा, कैसे हम ऐसा मतलब खुद भी हंसते हैं एक दिन, किसी भी दिन अपन खुद का वीडियो का रिएक्शन भी शूट करेंगे कि हम क्या बात करते हैं यार। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग हमें कमेंट करके ही बोलते हैं कि पिछले चैलेंज में तो तुमने आयजा खान को चूज़ किया था, इस बार किसी आयजा खान के सामने किसी और एक्ट्रेस को चूज़ कर लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो हिपोक्रेट हो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, इस तरह के लोग वर्ड भी हमको बोले जाते हैं, और हम हमेशा बोलते हैं भाई वक्त के साथ इंसान की चॉइस बदलती है, और फोटोज़ के साथ भी चॉइस बदलती है, फोटो में भी फर्क रहता है, फोटो में भी फर्क होता है भाई, ये बात तो मानना पड़ेगी। आज का चैलेंज तो पूरा फोटोज पे ही गया है, हमने ये भी नहीं देखा कि वो कैसी दिखती हैं या उनकी एक्टिंग कैसी है, नहीं हमने पूरा फोटो पर ही अपना डिसीजन बताया है यहाँ पर।
तो दोस्तों बताना आप भी अपना डिसीजन, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। और एक्टर्स का काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करें कि एक्टर्स का करो, इंडियन एक्टर्स वर्सेस पाकिस्तानी एक्टर्स। तो भाई अगर पॉसिबल हुआ तो कोई बना के दे सके, थिंकिंग ब्रेन से ही हमारी रिक्वेस्ट है आप कि एक्टर्स का भी चैलेंज बनाओ, तो हम उस पर भी रिएक्शन करना चाहते हैं। तो लेट्स सी अब ये बनाते या नहीं बनाते, तो हम करेंगे नहीं तो कहीं और ढूंढेंगे, वीडियो मिलता है तो करेंगे उस पर भी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।